हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के लिए? हाँ जी, बहुत ही टाइम बाद मैं एक वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीए स्टूडेंट्स के लिए, सीए इंटरमीडिएट, आईपीसीसी एंड सीए फाइनल, ओल्ड एज वेल एज न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स के। इंस्टीट्यूट ने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करी है ऑन 25 जून, दैट इज परसों। जिस अनाउंसमेंट को उन्होंने कल 26 जून को क्लेरिफाई किया, वो अनाउंसमेंट है बेसिकली पैटर्न ऑफ असेसमेंट से रिलेटेड, कि एग्जामिनेशन की कैसे असेसमेंट करी जाएगी। आइए जी, पहली बात तो बहुत ही कहता हूं कि बहुत ही वेलकम मूव इंस्टीट्यूट की तरफ से फॉर सीए स्टूडेंट्स। रिजल्ट बढ़ेगा। अब रिजल्ट क्या होगा? बढ़ेगा, ज्यादा चार्टेड अकाउंटेंट्स मार्केट में आएंगे, बिकॉज नीड है बहुत ज्यादा चार्टेड अकाउंटेंट्स की। इकोनॉमी को चलाने के लिए सीएस की बहुत ज्यादा नीड अब आ चुकी है, क्योंकि मार्केट प्रैक्टिसेस इस तरीके की हो चुकी है कि चार्टेड अकाउंटेंट्स की अब जरूरत है। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन पैटर्न को, एग्जामिनेशन पैटर्न की असेसमेंट को बहुत ही ट्रिमेंडसली और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अब डिजाइन किया है। क्या है वो हम डिस्कस करेंगे अनाउंसमेंट। हाँ जी, पैटर्न ऑफ असेसमेंट फ्रॉम मई 2019 एग्जामिनेशंस, मई 2019 के एग्जामिनेशन से ये स्टार्ट होगा। पहली चीज तो क्या होगी, नवंबर 18 के स्टूडेंट्स हैं तो जी आपके लिए अभी ये चीज एप्लीकेबल, ये अनाउंसमेंट एप्लीकेबल नहीं है। अनाउंसमेंट एप्लीकेबल किसके लिए है? जिनके एग्जाम मई 2019 ऑनवर्ड्स हैं। अनाउंसमेंट एप्लीकेबल है फॉर इंटरमीडिएट और आईपीसीसी एंड सीए फाइनल, ओल्ड एज वेल एज न्यू कोर्स स्टूडेंट्स। पहले जो अनाउंसमेंट आई थी ना 25 जून को, वो थी इंटरमीडिएट एंड फाइनल न्यू कोर्स के लिए, बट अब क्लेरिफाई किया गया कि इंटरमीडिएट के साथ साथ आईपीसीसी जो कि ओल्ड कोर्स है, और एज वेल एज फाइनल न्यू कोर्स, फाइनल ओल्ड कोर्स के लिए भी ये एप्लीकेबल होगी फ्रॉम मई 19 ऑनवर्ड्स। तो पहला पॉइंट हमारा क्या निकल गया है कि नवंबर 18 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दोनों कोर्सेज के लिए, इंटरमीडिएट ओल्ड न्यू, फाइनल ओल्ड न्यू, दोनों सबके लिए एप्लीकेबल है। अब ये अनाउंसमेंट है क्या बच्चे? अनाउंसमेंट है बहुत ही बढ़िया। क्या जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो हो गया है अब पार्शियली सब्जेक्टिव एंड पार्शियली ऑब्जेक्टिव, कुछ पोर्शन सब्जेक्टिव एंड कुछ पोर्शन ऑब्जेक्टिव। कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव है, कितना परसेंट सब्जेक्टिव है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल किया गया है। इंटरमीडिएट जो कि अब नया कोर्स है, उसमें कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में एप्लीकेबल है, टैक्सेशन में एप्लीकेबल है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में एप्लीकेबल है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी ये एप्लीकेबल है। और अगर ओल्ड कोर्स में जाए तो बिजनेस लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, टैक्सेशन, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, आईटी एंड एसएम, इन सब के लिए क्या है? पार्शियली सब्जेक्टिव एंड पार्शियली ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, फाइनल की अगर हम बात करें तो फाइनल कोर्स में एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, न्यू कोर्स की बात कर रहे हैं, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, आईडीटीज के लिए एप्लीकेबल है। ओके, ओल्ड कोर्स की बात करें तो एडवांस ऑडिटिंग एंड पीई, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉस, डीटी एंड आईडीटी के लिए सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वाली स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। आइए थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे अब इसके क्या कहते हैं। देखो, इन ईच ऑफ द अबव पेपर्स द वेटेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वुड बी 30%। ठीक है, क्या कह रहे हैं? 30% क्या है? 30% ऑब्जेक्टिव है एंड 70% विल बी सब्जेक्टिव, यानी कि प्रेजेंट पैटर्न ऑफ असेसमेंट। यानी कि 70% जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा और 30% क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। सबसे बढ़िया बात है, अब ये देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। ठीक है जी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आपका ठीक हुआ तो ओके, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर गलत हुआ तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। जो पहले सीपीटी वगैरह में चला करता था नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम, वो सब कुछ नहीं है। द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी इन द नेचर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैविंग वन और मोर मार्क्स। जरूरी नहीं है एक ही नंबर का ऑब्जेक्ट एमसीक्यू आए, एक से ज्यादा नंबर का भी एमसीक्यू आ सकता है। और एक और ये पॉइंट बात ध्यान में रखने वाली है, इट मे बी नोटेड दैट द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होगा? कंपल्सरी होगा, कोई भी इसमें चॉइस नहीं मिलेगी। अब बताइए,
क्या ये मूव अच्छा है या नहीं। सर बहुत ही बढ़िया मूव है, पास करने का कहते हैं ना क्राइटेरिया या पास करने के चांसेस ऑटोमेटिकली अब इंक्रीज हो जाएंगे फ्रॉम मई 19 ऑनवर्ड्स। जब पार्शियली सब्जेक्टिव हो जाएगा, पार्शियली क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बच्चों का टारगेट क्या रहना चाहिए कि जो वो ऑब्जेक्टिव है उसको तो अच्छी तरीके से हिट करके, उसको अच्छी तरीके से हिट करके पूरे में से पूरे स्कोर कर लो, तो 30 मार्क तो सर पक्के करेंगे हम अपने ऑब्वियसली, और कंपलसरी क्वेश्चन वैसे ये करना ही है। ठीक है जी, चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, ये मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जुड़े रहिएगा इस चैनल से, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती चली जाए। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।